हमने आपको पिछले वीडियो में सूरत के गैंगस्टर सूर्या मराठे की कहानी सुनाई थी, जिसे आप लोगों ने खासा पसंद भी किया था। अगर आप लोग सूर्या मराठे वाले उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। आज की जो यह कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह भी सूरत से ही आता है। आज की यह कहानी है वसीम बिल्ला के बारे में। इस कहानी की फरमाइश आप लोग ही हमसे कमेंट सेक्शन में किए थे, इसीलिए आज की यह कहानी लेकर हम हाजिर हैं। जानेंगे वसीम बिल्ला के पूरे आपराधिक जीवन को, साथ ही यह भी देखेंगे कि वह कैसे मारा गया। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का यूट्यूब चैनल। वसीम बिल्ला का पूरा नाम वसीम बिल्ला गुलाम शेख था, उसे लोग वसीम बिल्ला के नाम से ही जानते थे। उसका जन्म सूरत के ही झापा बाजार एरिया में हुआ था और वह वहीं पर रहता था। वसीम सूरत के कई छोटे मोटे अपराधों में संलिप्त था और वह सूरत का एक नामी बदमाश बन गया था। ऐसे ही एक मामले में उसे सूरत से तड़ीपार किया गया था। वसीम के खिलाफ यह आरोप था कि उसने वराछा में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। बोहरा समाज के एक नेता ने उस पर फिरौती लेने की धमकी का भी आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी। कई अपराधों में शामिल होने के कारण उसे सूरत से तड़ीपार किया गया था और वापस शहर में नहीं आने के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाल दिया था। इन सब के साथ ही वसीम का बॉलीवुड में भी खासी दिलचस्पी थी और कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ उसकी तस्वीर भी है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ फिल्मों में वह सहायक अभिनेता का किरदार भी निभा चुका है। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में वसीम का अच्छा खासा नाम था। इसके अलावा उसने बॉलीवुड के कई कलाकारों के साथ भी काम किया था। सूरत में अपराधियों के बीच रहकर वह टपोरी बन गया था, उसके कई दुश्मन थे। साल 2019 में उसने बोहरा समाज के एक नेता और बिल्डर को धमकी भी दी थी। ये सब तो थी वसीम बिल्ला के बारे में पिछली जानकारी। अब बताते हैं आपको कि उस रात क्या हुआ था। गुजरात के सूरत से तड़ीपार होने के बाद वसीम बिल्ला नवसारी में रह रहा था। तारीख 22 जनवरी 2020 रात के 10 बजे के आसपास का समय। बॉडी बिल्डिंग का शौकीन वसीम बिल्ला जिम से वापस अपने घर कार से लौट रहा था। जिम से निकलकर घर की ओर जाने के लिए वह अपनी गाड़ी में बैठा ही था, उसी समय वहां पर 3-4 लोग आ गए और उसे ड्राइविंग सीट पर ही नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए। खून में लथपथ वसीम को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया। कई छोटे बड़े अपराध करने वाले वसीम के खिलाफ सूरत के महिधरपुरा, अठवा और अडाजन थानों में कई मामले भी दर्ज थे। फिलहाल वह नवसारी में रहते हुए जमीन की लेन देन और मसले सुलझाने यानी कि मांडवाली का काम करता था। वसीम जबरदस्ती चंदा मांगने, वसूली करने और कई अन्य वारदातों के लिए बदनाम था। उस घटना के बाद पता चला कि वसीम बिल्ला को मारने के लिए उस बिल्डर ने ही सुपारी दी थी जिसको वसीम धमकियां दे रहा था। धमकियों से परेशान होकर बिल्डर ने उत्तर प्रदेश के 2 शूटरों को 10 लाख की सुपारी दे डाली। उन शूटरों ने वसीम बिल्ला को रात में सरेराह निशाना बनाया। सूरत रेंज IG राजकुमार पांड्यन ने बताया कि वसीम बिल्ला हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के 2 शूटरों समेत सुपारी देने वाले बिल्डर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डर का कहना है कि वसीम उसे लगातार धमकियां दे रहा था। अगर पुलिस की माने तो वसीम की हत्या के आरोप में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गलियाकोट निवासी मुस्तान डोडिया उर्फ मामा, बांसवाड़ा मुस्लिम कॉलोनी निवासी कुतुबुद्दीन वोरा और उत्तर प्रदेश के साकिब अली रंगरेज को गिरफ्तार किया गया है। राजकुमार पांड्यन के अनुसार इस हत्याकांड की जांच के लिए नवसारी लोकल क्राइम ब्रांच समेत 4 अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिसमें सबसे पहले बिल्डर बद्री लेसवाला के गालियाकोट स्थित फार्म हाउस का काम संभालने वाले मुस्तान उर्फ मामा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि बिल्ला के साथ बद्री का झगड़ा होने के बाद बिल्ला को सूरत से तड़ीपार कर दिया गया था। उस समय से वह लगातार बद्री को जान से मारने की धमकियां दे रहा था, जिसकी वजह से बद्री परेशान होकर मुस्तान के सामने रोता था। इसलिए मुस्तान ने बिल्ला को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए बांसवाड़ा में रहने वाले अपने परिचित कुतुबुद्दीन व साकिब को 10 लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी, जिसमें 2 लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे
और उधना क्षेत्र के दाऊद नगर में किराए के एक फ्लैट में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों ने सूरत आकर कुछ दिनों तक बिल्ला की रेकी की। 22 जनवरी साल 2020 की रात जब बिल्ला नवसारी स्थित जिम से निकलकर अपनी गाड़ी में सवार हो रहा था, तभी उस पर 5 राउंड फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार कर वहां से मोटरसाइकिल पर भाग निकले। बाद में मोटरसाइकिल उन्होंने वेडछा गाँव के निकट नाले में फेंक दी। उस रात दोनों वेडछा रेलवे स्टेशन के निकट झाड़ियों में छिपे रहे। उसके बाद सुबह मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन में सवार होकर वापी उतर गए। वहां से फिर मुंबई, अहमदाबाद, अजमेर और गलियाकोट में छिपते रहे थे। हालांकि मुस्तान से मिली जानकारी के आधार पर कुतुबुद्दीन व साकिब दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। बिल्ला की हत्या के लिए 9mm की पिस्तौल का उपयोग किया गया था। तो यही थी वसीम बिल्ला और उसके मर्डर से जुड़ी सभी कहानी। एक अपराधी कितना भी दूर चले जाए, वह अपनी छवि से दूर नहीं जा पाता है। अगर वह कानून की नजरों से बच भी जाए तो उसके अपने राइवल ही उसे नहीं छोड़ते हैं। सूरत के गैंगस्टर वसीम बिल्ला के कहानी को देखकर तो यही लगता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देश भर के और किस गैंगस्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें यह नीचे कमेंट में लिखें, हम उसे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के अन्य सभी वीडियो को देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।